हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों से एक टेस्टी पालक पनीर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनने में बहुत ही कम समय लगेगा मगर स्वाद होगा दुगना। तो चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। पहले एक पैन में ऑयल गरम करके पनीर के पीसेस को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। 2 मिनट बाद जब पनीर का कलर ऐसा हो जाएगा तो उसे पैन से निकाल के हल्का गर्म पानी में डाल देना है, इससे पनीर सॉफ्ट रहेगा। इसके बाद उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करके ऑनियन स्लाइसेस को फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। फ्लेम इस समय मीडियम पे रखना है। अच्छा, उसके बाद हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। फिर इसमें जाएगा टमेटो और ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च। 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब हम इसमें डालेंगे एकदम बढ़िया से क्लीन किया हुआ पालक के पत्ते यानी कि स्पिनच लीव्स। हाई फ्लेम में 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। पालक थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो उसे हमें सुखा लेना है। उसके बाद इस मिक्सचर को एक ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब एक पैन में तेल और बटर एक साथ गर्म करना है। इसमें अब कुछ सूखे मसाले ऐड करना है। तो पहले जाएगा हल्दी पाउडर, उसके बाद जाएगा एकदम तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद भुना हुआ जीरा पाउडर और भुना हुआ धनिया पाउडर। सारी चीजों को लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेना है। ज्यादा मत पकाना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। 1 मिनट बाद ऑनियन और स्पिनच का जो पेस्ट बनाए थे वो हमें ऐड करना है। इसे हमें 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अब इसमें जाएगा नमक और थोड़ी सी चीनी यानी कि शुगर। 1 मिनट तक अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। फ्राई किए हुए पनीर को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। जिस पानी में पनीर को भिगोए थे वो भी थोड़ा सा ऐड कर देना है और 2 मिनट तक इसे कुक करना है। अब इसमें जाएगा एकदम बढ़िया सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला पाउडर और खुशबूदार कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से थोड़ा सा मसल कर डालना है, इससे खुशबू बहुत ही बढ़िया आता है। अब सब कुछ अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। एकदम लास्ट में जाएगा थोड़ी सी और बटर यानी कि मक्खन और हेवी क्रीम। इसको अब पालक पनीर में अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देना है। आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद सर्व करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रोटी चावल किसी के साथ भी ये आसान सा पालक पनीर एंजॉय करो और तब तक के लिए गुड बाय।